चलिए देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग थे कि ये हमने क्वेश्चन किया था, इफ़ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इज डायमेंशनली करेक्ट, फाइंड द डायमेंशन फार्मूला फॉर ए बी सी डी ई। अगर ये जो इक्वेशन है डायमेंशनली करेक्ट है तो ए बी सी डी ई का फार्मूला आपको निकालना है। तो ये बन जाएगा, बताइए कोई दिक्कत इसमें कि एक बार फिर से एक्सप्लेन करूँ इसको? सर बन जाएगा। ठीक है परी? यस सर। ठीक है, सो ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस टी अपॉन ई प्लस टी क्यूब, और इसको सॉल्व करके ये हमारे पास आ गया था। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, इफ फोर्स वेलोसिटी। हाँ बच्चों क्वेश्चन लिखिए। हाँ, इफ फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन फाइंड द डायमेंशन फार्मूला, देन फाइंड द डायमेंशन फार्मूला फॉर मास। इफ फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन फाइंड द डायमेंशन फार्मूला फॉर मास। अगर फोर्स वेलोसिटी और टाइम जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं तो डायमेंशन फार्मूला मास के लिए फाइंड कीजिए। चलिए देखिए बच्चों, दो तरीके हैं इसको करने के। एक तरीका है बहुत ऑर्डिनरी तरीका, आप सब लोग जानते हो कि फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। आपको मास को लिखना है फोर्स के फॉर्म में, वेलोसिटी के फॉर्म में, टाइम के फॉर्म में। मतलब मास को साइड में लो, बाकी सारी पार्टी को वहाँ जान दो। तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एंड यू ऑल नो एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो मास को रोक लोगे तो मास रुक गया, फोर्स इंटू टाइम अपॉन वेलोसिटी, बस बन गया आंसर। तो आंसर क्या आ गया? एफ टी वी की पावर माइनस वन। कन्फ्यूज मत होइए, देखिए यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हमको बोली गई हैं वो फोर्स वेलोसिटी और टाइम बोली गई हैं, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। आंसर आ गया एफ टी अपॉन वी। तो पहला पार्ट नोट करो बच्चों, इस तरीके से इसको कर सकते हो, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका हमारा डायमेंशनल एनालिसिस वाला है, उससे भी हम कर सकते हैं। तो पहले नोट कर लो इसको। ओके दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका वही है कि मान लिया कि मास तीन क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम। सो मास इज प्रोपोर्शनल टू एफ की पावर ए, वी की पावर बी, टी की पावर सी। सो एम इक्वल टू के एफ की पावर ए, वी की पावर बी, टी की पावर सी। सो एम की वैल्यू रखेंगे तो एम की पावर वन, एल की पावर जीरो, टी की पावर जीरो। के की जगह कुछ भी नहीं, वेलोसिटी क्या होती है, फोर्स क्या होता है, एम एल टू टी की पावर माइनस टू का होल पावर ए, एल टी की पावर माइनस वन का होल पावर बी, एन टी का पावर सी। नोट करिए, सर वेलोसिटी की पावर तो माइनस वन है तो माइनस बी नहीं लेंगे। हाँ लेंगे ना, माइनस बी लेंगे ना, बट वो खोलने के बाद लेंगे ना, अगले स्टेप में बेटा। अभी तो ये बस मैंने बाहर लिखी ना पावर।
डन सर। ओके डन। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट भी देखेंगे, इसको क्या करेंगे। हाँ देखिए मैनेज कीजिए उस तरफ। हाँ अब पावर ओपन कर दीजिए बच्चों। तो एम एल टू टी की पावर 0, और ए बी की वैल्यू निकालिए, इक्वेशंस बनाइए। ए इक्वल टू 1, ए प्लस बी इक्वल टू 0, एंड ए माइनस 2 ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। इससे ए बी सी की वैल्यू निकालिए और वो जो आपका इक्वेशन है उसमें पुट कर दीजिए। ओ एक सेकेंड सॉरी। डन। हाँ अब वो जो ए बी सी की वैल्यू निकाली आपने पुट कर दीजिए, देखिए वही आ रहा आंसर। यस सर। हाँ मानवी बन गया। यस सर। ओके चलिए, तो ए बी सी की वैल्यू रख दीजिए, वही आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मगर इसके लिए थोड़ी सी आपको डायमेंशंस याद होनी चाहिए, और मैंने तो आपको लिखवा भी रखी है प्लैंक कांस्टेंट वगैरह की सबकी डायमेंशन, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए इफ़ द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी प्लैंक कॉन्स्टेंट एच सो क्या बोल रहा था, इफ द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी प्लैंक कॉन्स्टेंट एच एंड द स्पीड ऑफ लाइट सी आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ मास। मतलब मास को हमको जी एच और स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में लिखना है बच्चों। तो लिखो एम इज इक्वल टू, अब प्रपोर्शनल लगा दो, लगाना हो तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, लगा दो आपको लगाना हो तो। एम प्रपोर्शनल टू जी की पावर, अब यहाँ पे आप कहोगे सर ए बी सी क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेटा क्वेश्चन में ही सी इन्वॉल्व है। ये देख लो सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, तो अगर आप सी को ले लेते तो कन्फ्यूज़न बन जाता, इसलिए अपन ने इस बार पावर पी क्यू आर ली है। हाँ तो एम इक्वल टू जी की पावर पी, एच की पावर क्यू, एन सी की पावर आर। तो एम की पावर 1, एल की पावर 0, टी की पावर 0। जी की वैल्यू रखो बच्चों, जी की वैल्यू ये होती है एम की पावर माइनस 1, एल की पावर 3, टी की पावर माइनस 2। मैंने हाँ बेटा बोलिए बोलो। मास के यूनिट्स क्वेश्चन में दिए हैं वही लेंगे अपन, अरे मास की यूनिट तो भले वही होती है ना बेटा, मास तो ये गिफ्ट फिक्स है ना, मास एम की पावर 1 होता मास में तो। सर मास इज इक्वल टू जी एच और सी। नहीं, मास डिपेंड ऑन जी एच एन सी, मास इक्वल टू जी एच सी नहीं है बेटा, मास कह रहा है डिपेंड ऑन जी एच सी। तो मास इक्वल टू जी की पावर ए, एच की पावर बी, सी की पावर सी। तो यहाँ पे सी क्वेश्चन में आ चुका है इसलिए पी क्यू आर पावर ले ली। आया समझ में? यस सर। तो ये क्वांटिटीज जो क्वेश्चन में दी होंगी, हाँ ये मास क्वेश्चन, डिपेंड ऑन दीज क्वांटिटीज। हाँ, हाँ अभी तक बेटा अपन ने सारे क्वेश्चन ही तो ऐसे करे ना। यस सर। अब वो एक्चुअली ये बात है कि मे बी आपको ये लग रहा होगा कि सर मास तो वैसे ही फिजिकल क्वांटिटी है, तो उनको जो बनवाना है हमसे बनवाने दो, है ना, जो यस जो बोले हम बना के देंगे, इस पे हमारा बस नहीं चलेगा। उन्होंने कह रहा है कि भाई डिपेंड कर रहा तो करवा दो, डिपेंड बना दो। तो लियो मास की पावर जी की पावर पी क्यू आर। चलो मैनेज करो, पावर एडजस्ट करो और कंपेयर करो तीनों इक्वेशन। तीन इक्वेशन बनाने के बाद बोलिए मुझे डन।
डन सर। ओके हाँ, तो अब देखिए इक्वेशन आ गया है। पहला इक्वेशन है माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू वन, दूसरा इक्वेशन है थ्री पी प्लस टू क्यू प्लस आर इक्वल टू दिस, एंड दूसरा इक्वेशन लास्ट इक्वेशन है टू पी प्लस क्यू, बेटा ये माइनस आर है, एल नहीं है, माइनस आर है, माइनस आर इक्वल टू जीरो। बेटा सेकेंड और थर्ड को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो क्या होगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, पूरा इक्वेशन पी और क्यू में आ जाएगा। चलो सेकेंड और थर्ड को ऐड करो, सेकेंड और थर्ड को ऐड करोगे तो देखो पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो आया कि नहीं आया। यस सर। ओके, और फिर इसके बाद सेकेंड थर्ड को ऐड कर दो, पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। ओके, देन इसके बाद फर्स्ट, और ये फर्स्ट इक्वेशन और ये आपका फोर्थ इक्वेशन। बेटा ये जो पी प्लस क्यू जीरो बना, इसको फोर्थ ले लो, ठीक है। यस सर। सर वैल्यूज फ्रैक्शन में आ सकती हैं? हाँ बिल्कुल फ्रैक्शन में आ सकती हैं, इसके पहले भी आई, याद करो एक फॉर्मूला हमने क्वेश्चन किया था, टी इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो वहाँ पे एल yes, और एल की पावर और जी की पावर 1/2। हाँ बेटा बोलिए। सर पी इक्वल्स टू 1/2, क्यू इक्वल्स टू 1/2, पी इक्वल्स टू -1/2 एंड आर इक्वल्स टू -1/2। ओके देखिए बिल्कुल सही है, यहाँ पे दोनों इक्वेशन सॉल्व किया उससे पी और क्यू आ जाएगा, एंड देन पी और क्यू की वैल्यू रख देंगे हम तीसरे इक्वेशन में किसी भी आर वाले में, तो वैल्यू आ जाएगी बच्चों। तो आंसर चेक करिए, आंसर है पी इक्वल टू -1/2, क्यू इक्वल टू पी इक्वल टू -1/2, क्यू इक्वल टू 1/2 पहले ही आ चुका है, हाँ क्यू इक्वल टू 1/2 एंड आर इक्वल टू -1/2, बिल्कुल सही, आर इक्वल टू -1/2। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखिए, ये हो गया, कोई दिक्कत बच्चों? नो नो सर। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। हाँ अगले क्वेश्चन में लिखा है, इफ़ द वो सब छोड़ो, ये देखो यहाँ पर आपको ए बी सी डी ई की डायमेंशन पता करनी है, बस बहुत ही सिंपल है, ए बी सी डी ई की आपको क्या निकालनी है, डायमेंशंस। तो मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ इसका डायमेंशंस निकालना, वही डायमेंशन एनालिसिस का कंसेप्ट आपको लगाना है और उस कंसेप्ट के बाद आप इसको आराम से निकाल पाएंगे। चलिए तो मैं इसको बताता हूँ। टी रूट में? हाँ टी रूट में है, बिल्कुल सही, टी रूट में है। तो पूछा गया कि डायमेंशन क्या होगी, तो वही कंसेप्ट लगेगा कि हर टर्म की डायमेंशन इक्वल होगी, तो वी की डायमेंशन क्या होगी, एल टी की पावर -1, तो ए की क्या होगी, एल टी की पावर -1, एल टी -1, बी की क्या होगी, एल टी की पावर -1। तो यहाँ टी की पावर 1/2 है, तो बस कुछ नहीं थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो मैं इसको आपको करके बता रहा हूँ, देखो कैसे करेंगे इसको। तो सारे डायमेंशंस इक्वल होंगे, मतलब वी का बॉक्स इक्वल टू ए का बॉक्स, बी का बॉक्स, सी का बॉक्स, सारे ऐसे आप बना सकते हो। ठीक है,
चलिए ये आ गया अपने पास क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो क्या लिख सकता हूँ मैं कि v की डायमेंशन इक्वल टू a की डायमेंशन, तो आंसर क्या होगा, v की डायमेंशन क्या होगी, l t की पावर माइनस वन इक्वल टू a बॉक्स से। तो बच्चों आंसर लिख लो, पहला a की डायमेंशन कितने आ गई, l t की पावर माइनस वन, और यूनिट पूछ ले तो मतलब l का मतलब मीटर और t की पावर माइनस वन मतलब पर सेकेंड, तो यूनिट पूछे डायमेंशन पूछे अपन बता सकते हैं। चलिए अगला देखिए, b अंडर रूट t इक्वल टू अगेन l t की पावर माइनस वन, तो b की डायमेंशन b का बॉक्स और t की डायमेंशन मतलब क्या, t की पावर वन बाई टू, बोलो बच्चों यस कि नो, यस l t की पावर माइनस वन, तो b का बॉक्स इक्वल टू एल टी की पावर माइनस वन डिवाइडेड बाई टी का पावर वन बाई टू, तो ये हो जाएगा अपने पास एल टी की पावर माइनस वन और ये ऊपर चला जाएगा टी की पावर माइनस वन बाई टू, तो ये हो जाएगा एल टी की पावर, देखो माइनस वन बाई टू माइनस वन माइनस थ्री बाई टू, तो बच्चों नोट करो बी की डायमेंशन एल टी की पावर माइनस थ्री बाई टू, ठीक है। यस सर, नोट कर लीजिए बी की डायमेंशन एल टी की पावर माइनस थ्री बाई टू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सी टी स्क्वायर, सी मतलब टी की जगह कैपिटल टी स्क्वायर, होल डायमेंशन इक्वल टू एम एल टी की पावर, सॉरी एम एल टी की पावर माइनस वन, एम होते ही नहीं मतलब जीरो, हटा दो इसको, तो सी इक्वल टू सी की डायमेंशन इक्वल टू डायमेंशन एल टी की पावर माइनस वन अपॉन टी की पावर माइनस टू अपॉन टी की पावर टू, सॉरी बच्चों ऊपर जाएगा हो जाएगा एल टी की पावर माइनस थ्री, क्लियर। यस सर, आगे नोट कीजिए, आगे है डी प्लस डी अपॉन ई प्लस टी स्क्वायर, तो डी अपॉन ई प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन की बात की जाए तो डायमेंशन इक्वल टू होगी एल टी की पावर माइनस वन। बच्चों देखो अब यहाँ पर ई ये टी स्क्वायर है मतलब टाइम का स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये चला जाएगा एल टी की पावर माइनस वन और यहाँ पे आ जाएगा ई प्लस टाइम का स्क्वायर। अब आपको पता है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के डिफाइन होने के लिए ये टाइम का स्क्वायर है, तो इसकी भी डायमेंशन क्या होगी, टाइम का स्क्वायर, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड होती हैं। तो एज एन डायमेंशन एल टी की पावर माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई टी की पावर टू ऐड हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये क्या चलेगा अपना डी आ जाएगा, ओके तो एल और टी की पावर कितना आ जाएगा, दो पावर एक पावर, आंसर एल टी की पावर वन। तो लोचो लिखो डी की डायमेंशन एल टी की पावर वन और ई की तो पहले ही निकाल चुके हो टी की पावर टू, बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। क्लियर सर, ओके परी क्लियर है, यस सर, ओके। तो इस तरीके से कंपेयर करके आप डायमेंशन एनालिसिस का कंसेप्ट यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है ना, ए बी सी देख लो आ गया, डी आ गया, सब कुछ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए बच्चों, ए रूट टी एफ इक्वल टू ए रूट टी प्लस बी टी क्यूब प्लस सी प्लस डी रूट टी अपॉन में है प्लस ई, एफ इक्वल टू ए रूट टी प्लस बी टी क्यूब प्लस सी अपॉन डी प्लस रूट टी प्लस ई। आपको डायमेंशन बतानी है, एफ इक्वल टू ए रूट टी प्लस बी टी क्यू प्लस सी अपॉन डी प्लस रूट टी प्लस ई। तो सबसे पहले जो चीज़ क्वाइट ऑब्वियस दिख रही है वो क्या है, डी की डायमेंशन रूट टी के डायमेंशन की इक्वल है, क्योंकि जो डी दिया है ना वो रूट टी के इक्वल होगा क्योंकि वो उसमें ऐड हो रहा है। तो सबसे पहले डी की डायमेंशन जो है रूट टी के डायमेंशन के इक्वल लिख लो, मतलब डी की डायमेंशन क्या होगी, टी की पावर वन बाई टू, बस अब कंपेयर कर दो, ए रूट टी किसके एफ के इक्वल होगा तो एक ही आ जाएगी, एक ही निकालो बच्चों, बी टी क्यूब किसके इक्वल होगा बच्चों, एफ के इक्वल, तो बी की डायमेंशन आ जाएगी यहाँ से
सर ए इक्वल टू एम एल टी टू द पावर माइनस फाइव बाई टू। वेरी गुड। एम एक मिनट भैया, एम एल टू की पावर माइनस फाइव बाई टू माइनस वन बाई टू ऊपर जाएगा, एक मिनट, माइनस टू माइनस वन बाई टू ऊपर जाएगा, माइनस टू माइनस वन बाई टू, टू टू जब फोर। हाँ सही है बेटा, बिल्कुल सही। एम एल टी की पावर माइनस फाइव बाई टू, वेरी गुड बेटा। अब बी की निकालो बेटा, तो बी टी क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ के इक्वल। तो बी टी क्यूब इक्वल टू एम एल टी की पावर माइनस टू, तो टी इधर चला जाएगा तो ऊपर जा करके हो जाएगा एम एल टी की पावर माइनस फाइव। बना? यस सर। सी की निकालो, सी की वैल्यू। तो डी की तो पता है ना रूट टी, तो बस टी के साथ रूट टी का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, टी की पावर वन बाई टू, तो प्लस वन बाई टू हो जाएगा, तो टू टू ज़ा माइनस फोर प्लस वन यानी थ्री बाई टू बन जाएगा, माइनस थ्री बाई टू बचेगा। तो सी की डायमेंशन जो है सी टी स्क्वायर है, अच्छा टी स्क्वायर भी आएगा बाद में। सी अपॉन डी रूट टी, एक मिनट, नहीं 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 ठीक है बच्चों, तो c अपॉन डी रूट टी इक्वल टू एफ हो जाएगा। हाँ तो डी रूट टी कितना है बेटा, टी की पावर वन बाई टू, टी की पावर वन बाई टू, तो माइनस टू इंटू टी की पावर वन बाई टू, तो कितना हो जाएगा, माइनस फोर प्लस वन बाई टू, माइनस थ्री आए, माइनस थ्री बाई टू आया बच्चों। यस सर। एम एल टी की पावर माइनस थ्री बाई टू, यही आ रहा ना? यस सर यही आ। चलो ठीक है, तो ये हो गया, सबकी निकल गई, एक और बची ना डी की, ई की, ई की बची, ई की तो फोर्स की होगी क्योंकि अकेला बैठा हुआ है तो कुछ नहीं, ई की फोर्स की होगी है। यस सर। अकेला बैठा हुआ है तो कुछ है ही नहीं, सीधे फोर्स की डायमेंशन रख दो। चलो ठीक है, बहुत अच्छे। तो ई की सी की क्या होगी, सी की डायमेंशन निकलवाई ना अभी मैंने, सी की डायमेंशन मैंने आपसे ये कही कि सी अपॉन डी प्लस रूट टी, तो बेटा डी की भी क्या होगी, रूट टी की ही होगी क्योंकि रूट टी के साथ रूट टी ऐड होगा, हाँ या ना? यस सर। तो कंबाइंडली डी प्लस रूट टी की क्या बन जाएगी, रूट टी। यस सर। हाँ तो नीचे नीचे रहेगा डी प्लस रूट टी मतलब टी की पावर वन बाई टू और मल्टीप्लाइड बाई एम एल टू टी की पावर माइनस टू, तो माइनस टू प्लस वन बाई टू मतलब माइनस फोर प्लस वन बाई टू मतलब बेटा माइनस थ्री बाई टू। तो आंसर लिखो सी की डायमेंशन एम एल टी की पावर माइनस थ्री बाई टू। क्लियर? यस सर। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, ये तो कर चुके हैं ना, अच्छा ये लेंथ के लिए, चलो करो बच्चों, लिखो लिखो। क्वेश्चन करिए, इफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, प्लैंक कांस्टेंट एच एंड स्पीड ऑफ लाइट आर टेकन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशन फार्मूला फॉर लेंथ। बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है, पी क्यू आर पावर ले लो और लेंथ के लिए आपको सॉल्व करना है। चलो करो सॉल्व, तीन इक्वेशन बनेंगी, पी क्यू आर की वैल्यू निकालो। पिछले बार मास के लिए सॉल्व किया था, इस बार लेंथ के लिए सॉल्व करेंगे। हाँ थोड़ा सा बस फर्क है क्वेश्चन में। सर ये सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे।
बेटा मैंने तो लिखाया है ना, हाँ थोड़े बहुत याद करने पड़ेंगे। अब जी का तो आपसे बन जाएगा बेटा, मेरे ख्याल से एच का याद करना पड़ेगा। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, वही मतलब LT की पावर माइनस वन, बस केवल एच का याद करना पड़ेगा। और मैंने ये तो लिखवाया, आप थे क्लास में प्लैंक कांस्टेंट यस सर, बट वो फॉर्मूला बन जाता है, बट याद में तो कंफ्यूज जाते की? हाँ हैं। याद नहीं करो, बनाओ तुरंत का तुरंत बनाओ, बिल्कुल ऐसी ज़रूरत नहीं है, बनाओ तुरंत का तुरंत। मैंने भी सच कहो तो आज तक एक भी मेरे को याद नहीं है, मैं तुरंत का तुरंत बनाता हूँ। पूरी लिस्ट दी है मैंने आपको, वो लिस्ट में सारे फॉर्मूले जितने बन जाएं बनाने की कोशिश करो। डन यस सर। हाँ आंसर बताइए, इक्वेशन चेक करिए पहला। -p+q=0, 3p+2q+r=2, एंड -2b-q-r=0। पी और क्यू की वैल्यू निकालिए, शुरू के दो इक्वेशन लास्ट के दो इक्वेशन कैंसिल हो जाएंगे, पी की वैल्यू आएगी 1/2, क्यू की वैल्यू भी 1/2 आएगी, एंड देन आर की वैल्यू फाइंड करो। सर -3/2। वेरी गुड, बिल्कुल सही, -3/2। तीनों को प्लेस करके आंसर बताइए। सर (g^2)/2, (h^2)/2 एंड (c^2)/-3/2। बस हाँ बिल्कुल सही। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो बेटा, सी की पावर -3/2 को नीचे भेज दो तो सी की पावर 3/2 बन जाएगा, और ये लास्ट वाला बन जाएगा GH/c³। ठीक है, और पावर 1/2 के चलते सबके रूट ले लो। क्लियर? यस सर। चलिए बन गया परी। यस सर। चलो वेरी गुड बेटा, अगला क्वेश्चन लिखिए। इफ द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी, प्लैंक कॉन्स्टेंट एच एंड द स्पीड ऑफ लाइट इज सी आर टेकन इन फंडामेंटल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर टाइम। तो मतलब लेंथ भी कर लिया, मास भी कर लिया, टाइम भी हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेगमेंट का, इसके बाद एरर एंड अप्रोक्सीमेशन हम लोग कल शुरू करेंगे, प्रैक्टिस सफिशिएंट हो गई इसकी। इफ द क्वांटिटीज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, प्लैंक कांस्टेंट एच, स्पीड ऑफ लाइट सी है, को फंडामेंटल लिया गया है, तो टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करो।
पी इक्वल्स टू 1/2, क्यू इक्वल्स टू 1/2, पी एंड क्यू इक्वल्स टू 1/2, बिल्कुल सही। इक्वेशन एक बार चेक कीजिए, माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0, मास नहीं आ रहा है, मतलब पी और क्यू एक दूसरे के अपोजिट होंगे। दूसरा इक्वेशन 3p प्लस 2q प्लस r इक्वल टू 0, एंड थर्ड इक्वेशन माइनस 2p माइनस q माइनस r इक्वल टू 0। 3 और 2 को लड़ा दीजिए, एक इक्वेशन बन जाएगा, p और q लड़ा दीजिए, p इक्वल टू 1/2, q इक्वल टू 1/2। एक मिनट यार, p और q का सम 0 है ना? नहीं, सही है, सही है, इस बार दोनों इक्वल आएंगे p और q, ठीक है। यस सर, p और q की वैल्यू रख दीजिए लास्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? आर इक्वल टू माइनस 5/2। ओके, डन, वेरी गुड। बच्चों बस पुट कर दो और आंसर लिख दो, आर इक्वल्स टू माइनस 5/2, ठीक है। तो पुट करके इसका आंसर आप लोग लिख दीजिए। बोलिए आंसर। यस सर, डन हो गया, क्लियर? बन गया फॉर्मूला क्या होगा बेटा? पी और क्यू और आर की वैल्यू रखो ना, तो देखो टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड इक्वल टू एम की पावर पी आया था। हाँ ना ना, किस पे डिपेंड था? ग्रेविटेशनल, जी की पावर पी, तो जी की पावर 1/2, बोलो। यस यस सर। और फिर प्लैंक कांस्टेंट, सो अपने पास बनेगा टी इज इक्वल टू जी की पावर 1/2, पी की जगह फिर प्लैंक कांस्टेंट एच की पावर 1/2, हाँ या ना? यस सर। एंड लास्ट क्या था अपने पास? लास्ट क्या था? सी, स्पीड ऑफ लाइट। सी, नहीं नहीं, सी सी है बेटो, टी नहीं है। सी की पावर कितना आया है? आर कितना आया? माइनस फाइव बाई टू। बस बच्चों यही आंसर। ओके, माइनस फाइव बाई टू। सो मोर, आप इसको लिख सकते हो जी एच का होल पावर 1/2, मर्ज कर लिया और सी को अपॉन में कर दिया तो पावर 5/2। तो इसको लिख सकते हो ज़्यादा हो तो जी और एच रूट के अंदर और सी की पावर 5 रूट के अंदर। तो बच्चों ये हो गया टाइम का फॉर्मूला, नोट कर लो। यस सर, डन। यस सर, मानवी समझ में आ गया? यस सर। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर एंड कर